एंड आई अप्रोच मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला अप्रोच तो जो दिया था कैन एस एन ने एस अप्रोच एडी का क्या मतलब था सी प्लस आई एस का क्या मतलब था सी प्लस एस सो इफ यू कैंसल आउट सी एन सी फ्रॉम बोथ द यू विल बी लेफ्ट विथ आई एन एस दैट इज योर एस एंड आई अप्रोच अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच दिब्रियम लेवल एस डेटर माइंड वेन एस इज इक्वल टू आई यहां पर भी एक ही कंडीशन है क्वल टू योर इन्वेस्टमेंट दैट इज एस इज इक्वल टू आई वो वाले एडी एस अप्रोच में क्या इक्वेशन था क्या कंडीशन थी एडी शुड बीवल टू एस सिमिलरलीस एंड आई अप्रोच में क्या कंडीशन चाहिए सेविंग शुड बी इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट दैट इज एस इज इक्वल टू आई ठीक है देखो अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं एक सम सेम सम इनकम दे रखी है जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड आपको इनकम दे रखी है आपको कंजम्पशन दे रखा है आपको सेविंग्स दे रखी है और आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें निकालना क्या है हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है इक्विलिब्रियम कब आएगा वेन योर एस इज इक्वल टू योर आई तो फटाफट -फड़ देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन वेन योर इनकम जीरो माइनस फोर्टी और फोर्टी इक्वल है इक्वल तो है बट दोनों अपोजिट साइड्स पे एक प्लस है और एक नेगेटिव है वन वन इज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते माइनस ट्वेंटी एंड फोर्टी नॉट इक्वल जीरो एंड फोर्टी नॉट इक्वल ट्वेंटी एंड फोर्टी नॉट इक्वल फोर्टी एंड फोर्टी इक्वल तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा वेन योर एस दैट इज योर सेविंग इज इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट दैट इज योर आई तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि हमारा फोर्टी एंड फोर्टी वाला जो अप्रोच है दैट मीन्स वेन आवर इनकम इज फोर हंड्रेड एट दैट पर्टिक्यूलर पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एट इक्विलीबरियम क्यों बिकॉज इक्वल टू योर आई ए डी एस अप्रोच में भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया था वहां पर भी हमारा इक्विलीबरियम कहावल ऑफ इनकम पे सिमिलरली यहाँ पे एस एंड आई अप्रोच में भी हमारा कौन सा इक्विलीब्रियम पॉइंट आया वेन योर इनकम इज अगेन फोर हंड्रेड ठीक है अब यहाँ पे भी कुछ फेजेस है देखो ये वाला जो फेज है दैट इज इक्वीलिब्रियम के पहले वाला जो फेज है वो फेज में सेविंग जो है वो आप देखो माइनस फोर्टी एंड फोर्टी तो सेविंग इज लेस देन योर इन्वेस्टमेंट माइनस फोर्टी एंड फोर्टी में कौन सा बड़ा है फोर्टी माइनस ट्वेंटी एंड फोर्टी में अगेन फोर्टी इज ग्रेटर जीरो एंड फोर्टी में अगेन फोर्टी इज ग्रेटर देखो यहां पे योर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन योर सेविंग्स एट दिस फेज दैट इज योर इक्विलिब्रियम फेज यहां पे एस इज इक्वल टू आई और इसके बाद में योर सेविंग इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद है तो मैंने आपको पिछले चैप्टर के एंड में बताया था कि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तभी होती है जब उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है सिमिलरली ये अप्रोच में भी हम वही देख रहे हैं कि सेविंग और इनकम शुड बी इक्वल अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं याद है लास्ट चैप्टर में हमने देखा था सेविंग्स का ग्राफ माइनस से शुरू होता है नेगेटिव सेविंग होती है शुरू में क्यों नेगेटिव सेविंग होती है हमारी क्योंकि हमारा कंजम्पशन होता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आज आप कुछ कमा रहे हो कुछ लोग होंगे आप में से जो शायद अर्न करते होंगे कुछ लोग होंगे जो शायद नहीं अर्न करते होंगे बट फिर भी आप कंज्यूम करते हो हाँ करते हो वैसे ही जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ बेसिक कंजम्पशन होता है तो दैट मींस एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम यू आर डिस सेविंग तो हमारी इनिशियली सेविंग नेगेटिव होती है ठीक है तो दिस इज योर सेविंग्स ग्राफ I का ग्राफ मैंने आपको बताया था पैरल टू द एक्स एक्सिस दैट मीन्स इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता इट विल बी ऑलवेज पैरल टू द एक्स एक्सिस तो देखो जब हम लोग इनिशियली शुरू करते हैं यहां पे है आपका एस ग्राफ यहां पे है आपका आई का कर्व तो देखो कौन सा ऊपर है आई इज ग्रेटर देन योर एस तो दिस इज द फेज वन वेन योर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन योर सेविंग्स ठीक है ये वाला जो पॉइंट है दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके पहले जितना भी ग्राफ है उसमें आप देखोगे तो आप यही पाओगे कि आपका इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन योर सेविंग फिर आता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज द ई पॉइंट व्हेन योर सेविंग्स इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली द थर्ड फेज जहां पे योर सेविंग्स इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट देखो ये पॉइंट के बाद में आपका सेविंग्स तो ऊपर जाता जा रहा है बट आपका इन्वेस्टमेंट तो वही स्टैगनेंट हो गया है तो थर्ड फेज में हमने क्या देखा योर सेविंग्स इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट ठीक है अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इज ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलीबरियम दैट इज एस इज इक्वल टू आई मैंने पहले ही बताया दिस ई पॉइंट इज योर इक्विलीब्रियम पॉइंट यहां पे योर एस इज इक्वल टू आई दैट मीन्स योर सेविंग इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट सेकेंड पॉइंट ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो ओ वाई है हमारा दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम थर्ड पॉइंट वेन एस इज मोर देन आई ठीक है वेन एस इज मोर देन आई मतलब ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज योर फेज थ्री अब यहाँ पर क्या होगा देखो सेविंग्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग वो ज्यादा सेव कर रहे हैं इस पॉइंट पे दे आर सेविंग मोर दे आर नॉट कंज्यूमिंग तो क्या होगा अब फॉर्म्स ने सोचा था लेट्स से हम बात करते हैं कि वी ऑल आर प्रोड्यूसर्स हमने सोचा था कि जो टोटल डिमांड होगी मार्केट में जो टोटल कंजम्पशन होगा वो लेट्स से हंड्रेड यूनिट्स का होगा तो हमने हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए बट यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं वो सेव कर रहे हैं तो लेट्स से टोटल कंजम्पशन सिर्फ एट्टी का हुआ हमने प्लान कितना किया था हंड्रेड बट एक्चुअल कंजम्पशन कितना हो रहा है एट्टी ठीक है क्यों क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा है यहाँ पे तो इस केस में क्या होगा मैंने प्रोड्यूस किया है हंड्रेड कंज्यूम हो रहे हैं एटी दैट मीन्स ट्वेंटी यूनिट्स आर लेफ्ट ओवर तो इनका क्या होगा ये जाएंगे सीधा स्टॉक में ये जाएंगे इन्वेंटरी में सो वेन एवर योर एस इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स योर सेविंग्स इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट तो इस केस में इन्वेंटरी विल गो अप उल्टा पॉइंट समझते हैं वेन एस इज लेस देन आई दैट मीन्स दिस फेस वेन योर एस दैट मीन्स योर सेविंग इज लेस दैन द इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं है ना हमने सोचा था कि लेट्स सिर्फ हंड्रेड का कंजुम्पन होगा बट यहाँ पर तो लोग सेव ही नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम ही किए जा रहे हैं तो टोटल डिमांड हो गई लेट से हंड्रेड एंड ट्वेंटी यूनिट्स की हमने क्या सोचा था कि हंड्रेड यूनिट्स की डिमांड होगी तो हमने प्रोड्यूस कितने किए हंड्रेड यूनिट्स अब ये एक्स्ट्रा ट्वेंटी यूनिट्स हम कहाँ से लाएंगे हम क्या करेंगे हम हमारी इन्वेंटरी में से लेके आएंगे ये एक्स्ट्रा ट्वेंटी यूनिट्स तो वेन एवर योर एस इज लेस देन योर इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स योर सेविंग्स इज लेस देन योर इन्वेस्टमेंट तो उस केस में हमेशा आपकी इन्वेंटरी योर इन्वेंटरी विल ऑलवेज गो डाउन ठीक है तो दिस वॉज योर एस एंड आई अप्रोच